अजय कुमार ठाकुर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड 63 पटना नगर निगम। सर, अभी तक आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं मिल रही हैं सर, जनता से आप मिल रहे हैं तो? समस्याएं बहुत सारी है, किनारे को तो सफाई से लेकर के जल तक समस्या है, न पीने का शुद्ध पानी है, पेयजल अपना अपने इलाका में है, सफाई के नाम पर कब सिर्फ लिपापोती है, यहाँ सफाई होता ही नहीं, स्ट्रीट लाइट में भी वही स्थिति है, राशन कार्ड की कुछ लोगों का बना है उसमें पूरे परिवार का नाम नहीं उसमें जोड़ना है, ये तमाम बातें हैं। आपका वृद्धा पेंशन के नाम पर कंट्रोल में बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, बहुत सारी समस्या, मतलब समस्या ही समस्या है। शिक्षा के लिए स्कूल नहीं हमारे वार्ड में, चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार केंद्र नहीं है, हम क्या गिनाएं, मतलब पूरी समस्या हमारे ही वार्ड में। सर, निवर्तमान पार्षद के द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है जिससे आपको लगता है कि कमियां कुछ रह गई है? नहीं, कोई काम नहीं किया, 5 साल में लापता थे, कोई काम ऐसा गिना दीजिए जो आप लोग पटना नगर निगम से जो फंड आता है, आर्थिक सहयोग आता है, उसमें विकास का काम हुआ, हमको तो नहीं लगता है कोई भी एक भी विकास का काम उन्होंने किया। जनता उनके पास अपना समस्या लेकर के जाते हैं तो क्या उनका निवारण होता है? निवारण होता तो लोग, जनता संतुष्ट होती ना। जी जी, जनता संतुष्ट नहीं, इसलिए हमारे साथ है जनता, ये जनता की लड़ाई है, ये अजय कुमार ठाकुर और मनीष जी की लड़ाई नहीं, ये जनता की लड़ाई है। सर, अपने क्षेत्र में आप किस तरह से एक्टिव है, क्या कुछ आप बोले कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप कुछ बताएं? सामाजिक कार्यकर्ता हम जागरूक करते हैं, सरकार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग संघर्ष करते हैं और लोगों को बताते हैं कि गलत है। अब अभी देखिए, कूड़ा टैक्स हम लोग पर लाद दिया गया है, घरेलू 100 रुपया दुकानदार, 30 रुपया कम्युनिटी, 30,000 रुपया कम्युनिटी, अपनी अन्य से सभी पहले भी काम होता था, आज कोई बेहतर काम नहीं हो रहा है, घर के नाम पर पूरा कुटना उठाव के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 400 रुपया वृद्धा पेंशन है, 13 रुपया 33 पैसे 3 पैसा, क्या उसे एक शाम का नाश्ता भी नहीं चलेगा, अभी बाज़ार में जाइएगा तो, उसको हमने 1500 रुपया का मांग किया कि सभी पेंशन को 1500 रुपया किया जाए, बिहार सरकार से संघर्ष करूँगा इसके लिए। स्कूल नहीं हमारे क्षेत्र में, वार्ड 63 में एक ऐसा है कि एक स्कूल नहीं है, एक प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है, एक बैंक नहीं है, तो ये तमाम चीज़ बहुत सारी समस्याएं हैं, सब प्राइवेट गरीब आदमी लोग वैसे ही मर रहे हैं, एम्बुलेंस में कुछ ना कुछ सुविधा ही नहीं है अपने वार्ड। आपका क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, आप जीत के आते हैं तो? मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको रोजगार, यही हमारा मुख्य एजेंडा है। हर गली, हर नली का सफाई, सड़क का मरम्मत, प्रत्येक स्ट्रीट लाइट में बॉल होने लाइट होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, तमाम सुविधा, आदर्श वार्ड बनाने का सपना है और इस वार्ड को ऐसा बनाना है जो बिहार और प्रदेश में इस वार्ड से लोग जानेगा कि वार्ड 63 कुछ है, आदर्श वार्ड का सपना, हम सबका सपना आदर्श वार्ड का होगा। हमारे माध्यम से सर जनता से क्या अपील करते हैं अपने चुनाव के लिए जो आगामी 28 तारीख को पूरे पटना नगर निगम में होने वाली है? हम आपके माध्यम से 28 दिसंबर को होने वाले चुनाव में, ये लोकतंत्र का निचला स्तर का ये पर्व है, मैं तमाम जनता से अपील करूंगा, सब कुछ छोड़ करके न्याय के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त के लिए और सम्मान के लिए और विकास के लिए वोट करें, यही मैं आग्रह करूँ। अजय कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 63 पार्षद प्रत्याशी, मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 1 पर कलम और दवात है, इस पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजय जिलाए और जनता के विकास के लिए वोट करें। जय हिंद, जय जिंदाबाद, जय ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जय भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद देश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद बालक दास, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।